प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारतीय दबंग वकील नाज़िया अली खान जी का बड़ा ही दमदार और बेबाक इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। वो धीरे धीरे रिपेयर की तरफ आता है या जो महिलाएं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती है वो धीरे धीरे रिपेयर की तरफ आती है। आप सुबह, आपने बहुत अच्छी बात कही हस्बैंड की, सुबह फजर की नमाज पढ़ो और उसके बाद फिर 40 मिनट्स मेडिटेशन कर लो। और इस्लामिक प्रेचर की जहां तक आप बात कर रही हैं जो हमारे भारत में है, इनका छोड़ दीजिए, ये क्या बातें करते हैं? ये 72 वर्जिन हूरों की बातें करते हैं। आप जन्नत में जाकर के सेक्स कर सकते हैं, ये इसकी बातें करते हैं। ये अभी हालिया में मैंने देखा कि एक लड़की ने पूछा कि अगर शौहर बाहर हो तो वो मुझसे बिना पूछे दूसरी निकाह कर सकता है। तो मौलाना साहब ने कहा बाहर हो या यहाँ हो, बिना तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं, आराम से निकाह कर सकता है। आई हैव दैट रिकॉर्ड राइट नाउ। तो ये तो कुरान की बातें बताते नहीं है, ये तो अपनी लज्जत और मजा की बातें बताते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस यंग जेनरेशन को, अब इस एडुकेटेड जेनरेशन को, अब इस इतने डिजिटल जेनरेशन को ये टोपी और दाढ़ी वालों की बात सुननी चाहिए। आई डोंट थिंक, अगर हम बड़ा सोचेंगे, अगर हम बड़ा करेंगे और हम शिक्षित हैं तो आई डोंट नीड एनी प्रीचर ना, आई रियली डोंट नीड एनी प्रीचर। आज देखिए मेरे घर में हम कभी भी मौलाना को बुला करके, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कुरान खानी करवाते हैं, हम कभी नहीं करवाते। हम तीन बहनें बैठ जाते हैं, हमारी मम्मी बैठ जाती है, हमारे पापा बैठ जाते हैं, मेरा बेटा बैठ जाता है। हम पढ़ लेंगे, खुद पढ़ लेंगे। अरे हम पढ़ेंगे तो ये तो ज्यादा बेटर होगा ना, मौलाना को पैसे से कुरान पढ़वाएंगे, ये तो हम आयतों को खरीदना हुआ है ना। तो जो मौलाना सूरह फातिहा की आयत पढ़ करके 501 रुपए लेता हो, साथ में पांच लड्डू भी लेता हो, उस मौलाना की क्या औकात है? कोई औकात नहीं है। वो तो आयतों को बेच करके अपना घर चला रहा है, इस्लाम को बेच करके फितरा जमा करके बिजनेस क्लास पर ट्रेवल कर रहा है फ्लाइट पे। ऐसे ऐसे मौलानाओं की तो कोई कदर कोई इज्जत होनी नहीं चाहिए। हम में से ना आप आयत बेच रही हैं, ना आप सूरह बेच रही हैं कुरान के, ना मैं बेच रही हूँ। हाँ, हमने जो डिग्रियां ली हैं, हमने जो हमारे पास जो डिग्री है उस डिग्री से हमारे घर का चूल्हा जरूर चल रहा है, लेकिन आयतों को बेचने का और खरीदने का कारोबार तो हमने नहीं मचा करके रखा है। आयतों को बेचने का कारोबार तो ये मौलानाओं ने मचा करके रखा है, और कुछ जाहिल चिटिंगबाज मुसलमान है जिनको अरबी भी पढ़नी नहीं आती है, जिनको जो कुरान ना पढ़ना जानते हैं ना समझना जानते हैं, वो आयतें खरीदते हैं पैसे से। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी युवा जनरेशन को इन चीजों से आगे निकलना चाहिए, आगे सोचना चाहिए और अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए। और रिफॉर्मेशन हर ईरा में आया है, तो अब अगर रिफॉर्मेशन आ रहा है सो दैट्स गुड। बिल्कुल, और आज के वक्त में तो सभी कुछ आपके फिंगर टिप्स पर है। इस तरह से इतनी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, आप किसी के पास, किसी रिलीजियस प्रीचर के पास जा रहे हैं अपने मसले का हल निकलवाने, जैसे कि आपने बताया कि कोई अपनी शादी के बारे में पूछने गया तो उन्होंने तो बड़ी बेखौफी से कह दिया कि हाँ हाँ भाई, अब किसी का घर तबाह हो रहा है उससे उनको क्या, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लोगों को और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर आज से नहीं एक जमाने से तलवार उठाया जा रहा है और सलवार खुलवाया जा रहा है, गले भी काटे जा रहे हैं, बलात्कार भी किया जा रहा है, और इस्लाम का जस्टिफिकेशन दे करके ये लोग अपने आप को बहुत मजलूम और विक्टिम कार्ड भी खेल लेते हैं। जो जंगजू टाइप के मुसलमान है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। और ऐसे हालात में 2019 के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद, जिन बच्चों के हाथों में पत्थर हुआ करता था उन बच्चों के हाथों में अब कॉपी किताब और कलम होता है, जिन मर्दों के हाथों में गालियां हुआ करती थी उन मर्दों के हाथ में जुबान पर अब भारत माता की जय के नारे हैं, जिन पुरुषों के हाथों में, मुसलमान मर्दों के हाथों में जले हुए टायर होते थे और सबको जलाने के लिए वो लोग तैयार रहते थे, आज उन पुरुषों के हाथों में तिरंगा झंडा है। सो आई थिंक कि मोदी जी ने बहुत खूबसूरत सिलेक्शन किया है, और जो योग दिवस जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया है ये बहुत ही खूबसूरत
निर्णय था कि जिस तरह से वहां पर रियासी की घटना हमने देखी, उसके बाद फिर और भी बहुत सारी घटनाएं वहां पर होती चली गई, और रियासी पर तो काफी ज्यादा, नेशनल न्यूज चैनल पर मैं भी बैठी थी, तो मुझे जो 2 साल के बच्चे का जो शव मैंने देखा था, उसमें कोई भी ये जो बॉलीवुडिया वाले हैं, जो क्रिकेटर हैं भारत के, जिनके लिए हम इतना चेयर अप करते हैं वर्ल्ड कप में, और जितने भी मुसलमान हैं, उन्होंने रियासी में जो जिन लोगों की जान गई उस पर बिल्कुल भी कोई अफसोस तक जाहिर नहीं किया मुसलमानों ने, क्योंकि उनके हिसाब से वो काफिर हैं, इसलिए अफसोस नहीं जाहिर किया। तो ऐसे सिचुएशन में अगर जम्मू एंड कश्मीर को चुना गया और वहां पर जाकर के योग दिवस मनाया गया, और भारत के इतने प्रिय, इस पूरी दुनिया के ग्लोबल लीडर भारत के प्रधानमंत्री ने मनाया है, सो आई थिंक कि दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन। और अब जब उनका उनके उनका पैर वहां पर रखाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान के वो आतंकवादी और कश्मीर के वो बहरूपिया पॉलिटिशियन जो भारत में रह करके और भारत के लोगों के वोट से कई साल तक चीफ मिनिस्टर बने रहे और कई कई मंत्रालय अपने हाथ में लेकर के चलते रहे, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का गाते हैं और हमें डराते हैं, भारतवासियों को डराते हैं कि पाकिस्तान एटमी ताकत है, तो मुझे लगता है कि अब उनके उनके हाड़ मास कांप रहे होंगे, उनका दिल जोरों से धड़क रहा होगा कि अब मोदी जी अगर यहाँ पर इस सरजमीन पर आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो जरूर ही होगी, सिर्फ योग दिवस तो नहीं ही होगा। सो आई थिंक कि हम सबको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है और रिफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, रिफॉर्म होने की जरूरत है, क्योंकि कल तक हम हमारे हम शायद यास्मीन मैं और आप भी स्लेट और चौक से लिखे होंगे, मैं तो लिखी हूं मुझे याद है, स्लेट और पेंसिल से, स्लेट पर ABCD हम पढ़े हैं, लेकिन मेरा बेटा नहीं पढ़ा है, वो टैबलेट पे, टैब पे, आईपैड पे वो ABCD पढ़ा है। तो रिफॉर्मेशन आता है और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड वी कैन डू अ सिंगल सेशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर यास्मीन, जिसमें प्रॉपर तरीके से हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करेंगे। नमस्कार। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, और इसमें आपने देखा भारत की दो मुस्लिम बेटियों को, एक तरफ यास्मीन हफीज और दूसरी ओर नाजिया लाई खान जी, जिन्होंने बात की इस्लामिक टीचर्स, जिनको हर बात इस्लाम के हिसाब से हराम लगती है, चाहे वो योगा करना हो या फिर एक हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के से शादी कर ले या फिर उसका बच्चा कर ले तो वो भी उनके हिसाब से इस्लाम में जो है वो नाजायज है, या फिर इसका उल्टा अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू से शादी कर ले और उसका बच्चा हो जाए तो वो भी उनके हिसाब से नाजायज है। और जैसे कि आपने देखा नाजिया खान जी ने बात की योगा के बारे में, और इस बार हमने देखा था हमारे प्रधानमंत्री को कश्मीर में योगा करते हुए, और जैसे कि नाजिया खान जी ने बॉलीवुड को दोबारा से आड़े हाथों लिया, जो बॉलीवुड ऑल आइज ऑन रफा तो करता है, कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसके मामले पे बॉलीवुड एकदम चुप्पी साध देता है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।